आज हम बना रहे हैं मिल्क शेक, बादाम मिल्क शेक. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग माय रेसिपी विद यू. तो आप मुझे देख करके बताना कि आपको कैसा लगा. आई एम ऑल्सो ट्राइंग इट एट योर होम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द इंग्रेडिएंट्स विच वी नीड आर, सबसे पहले हमें चाहिए बहुत सारा दूध. ठीक है, बाय बहुत सारा आई मीन एक लीटर दूध चाहिए. हमें चाहिए थोड़े से बादाम. ये बादाम आप रात को भिगो कर रख सकते हो और सुबह आप इसको छील सकते हो. ऐसे जैसे मैंने छील कर रखे हैं, तो आप ऐसे बादाम चाहिए हमें छील कर. फिर हमें चाहिए थोड़ा सा केसर, कस्टर्ड पाउडर. कस्टर्ड पाउडर के डेट चेक करके डालना. थोड़े से और बादाम, बिना भिगोए हुए बादाम. और थोड़ा सा इलायची पाउडर, बहुत थोड़ा सा इलायची पाउडर. तो बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए पहला स्टेप है कि हमें एक बोल में, किसी भी एक बर्तन में दूध ट्रांसफर करना है. तो इसमें हम डालेंगे बहुत सारा दूध. इस दूध को हमें बॉइल करना है. जितना ज्यादा आप इसको बॉइल करोगे, उतना ज्यादा अच्छा आपका बादाम मिल्क शेक बनेगा. सो आई फील कि इतना दूध इनफ होगा. अब इसे हम रखेंगे गैस पर. गैस ऑन करने के लिए एज यूजुअल आई नीड द हेल्प ऑफ समवन. ओह या, थैंक्स प्रशांत. तो अभी हमने गैस पे दूध रखा है. इसको हम थोड़ा थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे. फुल रख सकते हो आप गैस. थोड़ा सा दूध जब बॉईल हो जाएगा, उसके बाद में हम इसके अंदर बाकी चीजें ऐड करेंगे. तब तक लेट्स प्रिपेयर अदर इंग्रेडिएंट्स. अभी हमने ये जो बादाम पीस कर रखे, छील कर रखे थे, इन्हें अभी हम पीसेंगे. पीसने के लिए इसको आप छोटे से जार में ट्रांसफर करो. 10-12 बादाम मिलोगे तो भी दैट्स इनफ. लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, इसके बिना तो बादाम मिल्क शेक कैसे बनेगा ना. तो अभी अकेले नहीं पीसे जाते, तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हो. तो जब आप दूध बॉईल कर रहे हो, तो इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, क्योंकि हम इसे सिर्फ बॉईल नहीं करेंगे, हमें इसको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी ना थिक करनी है, तो ये बाहर ना निकल जाए. इसीलिए गैस सिम कर देंगे और इसे ऐसे थोड़ी देर चलाते हैं. इस दूध को ऐसे थोड़ी देर हम ऐसे बॉईल होने देंगे. तो अभी दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर पाउडर. अब हम ये केसर पाउडर थोड़ा सा दूध में डालेंगे, बस सिर्फ 2-3 थ्रेड्स. ये खोलना बहुत मुश्किल काम है. ठीक है, ये फाइनली खुल गया है. अब बस 2 या 3 थोड़ा सा केसर डालें. केसर डालने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. तो मैंने गलती करी कि मैंने इसको ना इसके कढ़ाई में ही छोड़ दिया, जो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अभी गर्म हो गया है. तो इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे और साथ साथ हम इसके अंदर इलायची भी डाल देंगे. तो ये इलायची मैंने थोड़ी सी पहले से पीस कर रखी थी. ये इलायची भी है. अच्छा, हम बादाम शेक बना क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि समर्स में बादाम शेक बहुत ठंडा रहता है और एंड इट्स वेरी हेल्दी. इट्स वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी. तो अभी जो हम बना रहे हैं ना, यू कैन स्टोर इट फॉर 3 to 3 days. आप इसको स्टोर करके रख सकते हो और आप बाद में भी पी सकते हो. अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे. मुझे ना इसमें भी थोड़ा सा डर लगता है, तो ये मैं खुद भी करने वाली हूँ. तो बाद में मिलते हैं. तो ये मैंने पीस लिया है. इसको बहुत ध्यान से बोलना. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली नहीं होगी, बीच बीच में थोड़ा बहुत बादाम आपको फिर भी दिखेगा, बट दैट्स फाइन. तो इसे अभी के लिए हम साइड में रखेंगे एंड नाउ विल प्रिपेयर आर कस्टर्ड पाउडर. साथ साथ दूध का ध्यान रखना. ऐसे नहीं हो कि तुम मेरी तरह वीडियो बनाते रह जाओ या मेरी तरह बादाम पीसते रह जाओ और इधर से दूध निकल जाए. और मुझे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दूध निकल गया तो ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो होगा बादाम शेक का. नेक्स्ट स्टेप, हम इसमें ये जो हमारा बादाम का मिक्सचर था ना, वो ऐड करेंगे. तो ये साथ साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जितना भी बादाम आप ऐड करोगे
वो मिक्स करते रहो। गैस सिम पर ऑन रहनी चाहिए ताकि सब इसमें मिक्स हो जाए। अभी हम कस्टर्ड पाउडर बनाएंगे, उसके लिए एक बोल में थोड़ा सा दूध लो, गिराना मत, ऐसे थोड़ा सा दूध लो, ज्यादा कस्टर्ड में डालना, अदरवाइज फिर वो बादाम शेक नहीं कस्टर्ड बन जाएगा। और इसमें अब हम ऐड करेंगे एक चम्मच कस्टर्ड। ध्यान से डालना, मुझसे थोड़ा सा ना गिर गया, तुमसे ना मिल जाए। देखो ये कस्टर्ड पाउडर अब हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। नाउ द फाइनल स्टेप, ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाया था इसे हम डालेंगे इसमें, लेकिन एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे करके डालना, थोड़ा थोड़ा कर। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और साथ साथ इसको स्टर भी करते रहेंगे ताकि लम्स ना बने। इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है और कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देते हैं। जितनी देर आप इसको गैस पे रखोगे इसका कलर चेंज होता रहेगा। हम एक चीज भूल गए, मतलब भूले नहीं, हमने अभी तक डाली नहीं, क्या नहीं हो गैस, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या चीज नहीं डाली हमने इसमें। तो हमने इस दूध में ना कुछ मीठा नहीं डाला, हमने चीनी नहीं डाली, तो चीनी इक्वल्स टू व्हाइट पॉइजन, तो मैं चीनी नहीं डालूंगी। आई एम एडिंग मिश्री इन इट, ठीक है, ये मिश्री का पाउडर है, मिश्री पाउडर है। जब आपका मिल्क शेक बन जाए, रेडी हो जाए गैस बंद करने के बाद, सी मेरा गैस ऑफ है यहाँ पर, गैस बंद करने के बाद में आप इसमें 2 चम्मच मिश्री डाल सकते हो, 2 से 3 चम्मच मिश्री डाल दो। नाउ वी मिक्स इट, ऑलमोस्ट रेडी है मिल्क शेक। इसमें कुछ कटे हुए बादाम डालेंगे, दिस इज ऑप्शनल, लेकिन वैसे डालना चाहिए क्योंकि आप डालोगे तो थोड़ा ज्यादा टेस्टी बनता है, तो जितने भी डालो आप, इट्स योर विश। अब इसको मिक्स कर दो। नेक्स्ट स्टेप है, इसे गरम गरम नहीं पीना, थोड़ा सबर रखना है, इसको अभी हम ठंडा होने देंगे, ठीक है, थोड़ा आधा घंटा इसको बाहर रखो, फिर हम इसको बाद में रखेंगे फ्रिज में। तो गैस ऑफ है, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं, थोड़ी देर बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज में, और उसके बाद में जब भी पूरा ठंडा हो जाएगा, पूरा चिल्ड हो जाएगा, फिर हम इसको पियेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रेसिपी कैसी लगी और कौन कौन ट्राई करने वाला है ये भी मुझे बताना, एंड लाइक कर देना वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन अटेंड माय फ्री लेक्चर्स ऑन अनअकैडमीज एप्लीकेशन, आई एम टीचिंग क्लास 9 देयर, क्लास 9 सोशल साइंस। तो कैसे अटेंड करोगे, उसके लिए आपको मेरा कोड और मेरा एडुकेटर प्रोफाइल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू इन माई क्लासेज एंड सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, बाय बाय।